अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे उमूमन कहा जाता है कि मुस्लिम इदारों का तालीमी मियार उस हद तक नहीं है जहां पर हम उन दूसरे कॉलेजेस के साथ, दूसरे स्कूलों के साथ मुकाबला कर सके। सर, सबसे पहले वैसे तो आपको मुबारकबाद की, आपने जो सना शाहीन के नाम से एक तालीम इदारा शुरू किया है, काफ़ी मशहूर है, मकबूल भी है और अपने मियार को भी पहुंचते हुए देखा जा रहा है, पाया जा रहा है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम बारहा लगा जाता है कि हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, कहाँ खामियाँ रह जाती हैं और उन खामियों को तुम कैसा दूर करोगे, और फ़िलहाल सना शाहीन के लिए आगे का मुस्तकबिल के लिए आपके क्या पास क्या मनसूबाबंदी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने यहाँ पर आया, तशरीफ़ लाया। मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पर जो सना शाहीन का नाम सुनकर आए हैं। दरअसल जो आपने अभी सवाल किया है ये दरअसल एक इल्ज़ाम है, मगर आप खुद यहाँ पर अभी अभी देख लिया है हमारे क्लासेस, हमारे स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू लिया है और हमारे लैब्स वगैरह, इवन तो हमारे नर्सिंग कॉलेज वगैरह सब पूरा आपने अभी दौरा किया है जी। ये डिपेंड अपॉन दी मैनेजमेंट और डिपेंड अपॉन दी हमारा जो ट्रस्ट वगैरह जो भी कोशिशें हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये मैनेजमेंट 2019 में लिए। सना तो पहले था तो हमने सना शाहीन जो बीदर में जो कॉलेज है उसके साथ हमने टाइप करके जनाब मोहम्मद हुसैन मलगी साहब के ज़ेर प्रस्ती सरप्रस्ती और जनाब अशरफ अली साहब के क़ियादत में हमने इंस्टीट्यूशन को लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में बहुत ही तजुर्बात का सामना करना पड़ा हमको और इन 3 सालों में हमारे पहली ही बैच में अल्हम्दुलिल्लाह 8 स्टूडेंट्स ने मेडिकल सीट हासिल किया है। एक बहुत बड़ा ही कारनामा है हुबली के कॉलेजेस में, जो 3 साल के अंदर जो पहली ही बैच में जो 8 स्टूडेंट्स ने मेडिकल सीट हासिल की है, ये मैं समझता हूँ कि शहर हुबली में पहली कॉलेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस भी हमको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। हमारे यहाँ पर फैकल्टीज़ बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं और साइंस में भी, कॉमर्स में भी, नर्सिंग में भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भी हैं PhDs हैं और अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। और एक सिस्टम है शाहीन का कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वीकली टेस्ट होते हैं, उनका बच्चों के अकाउंटेबिलिटी होती है, बच्चों पर एनालिसिस होता है। ये सब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक शेड्यूल के साथ, हम पूरे सिस्टम के साथ करते हैं और इसके अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं। और ये कोशिशें हैं जनाब मलगी साहब की क़ियादत में, अशरफ अली साहब, हमारे साथ जो तारिक मुजाहिद साहब हैं और दूसरे जो ट्रस्टीज़ हैं, इन सब की कोशिशों के साथ और मेन हमारे जो फैकल्टीज़ जो मेहनत करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हर एम्प्लॉय अपने सिर्फ एक रस्मन तौर पर काम नहीं करता है, अपने दिल से काम करते हैं, ये इसका असर है। और इंशाल्लाह ये जो इल्ज़ाम है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में वो मियारी तालीम नहीं रहता, उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि शाहीन बीदर जो है ना, गुज़िश्ता 450 मेडिकल सीट्स फराहम किया है नीट में जो है ना, 450, और हमारे पास फर्स्ट बैच में 8 सीट मिले हैं। ये है आपका इंशाल्लाह मेरी वजाहत। आगे इंशाल्लाह इस, जैसा कि हमने 2019 में सिर्फ PUC शुरू किया था और हम इस साल 2022 में हमने कॉमर्स शुरू किया है, अब नेक्स्ट ईयर हम आर्ट्स शुरू कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास BSc नर्सिंग है जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मियार पर है, और BEd है, और डिप्लोमा इन नर्सिंग है, और पैरामेडिकल के हमारे पास 5 कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो ये है कि हम नीट जो गुज़िश्ता साल जिन एग्ज़ाम में बच्चे कामयाब नहीं हो सके नीट में, उनके लिए हम लोग 1 साल का लॉन्ग टर्म कोचिंग प्रोग्राम रखते हैं, दैट इज नीट रिपीटर्स का। वो एक मुकम्मल 1 ईयर का उनका 1 ईयर लॉन्ग टर्म कोचिंग होता है। इंशाल्लाह उसके कल से ही क्लासेस शुरू हो रहे हैं 18th of August से। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा एक प्रोग्राम होता है, पूरा 1 ईयर का एक प्रोग्राम होता है नीट रिपीटर्स कोचिंग क्लासेस का, और बहुत सारे इंशाल्लाह हमारा प्लान है। पीछे हमारा एक हॉस्टल बन रहा है 700 गर्ल्स स्टूडेंट्स का, और हम लोग तालीम के अलावा अपने सोशल सर्विस में भी अपने जो यहाँ पर एक मोबाइल क्लिनिक देख रहे हैं वो भी इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लेके चलें, बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमको नज़र बस से महफूज करते हुए हमारे इस मिशन में कामयाबी दे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके देख लिए, सारी चीज़ आप आंखों से देख लिए। एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक कैंपस तैयार करने का काम में है। पिछले 20 साल से सना एक नामचीन कॉलेज था, थोड़ा बहुत उसकी गिरावट होने में हमारा भी उसका अंदर ज्वाइन हो गया एमएम मलगी साहब के साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह बीएड चल रहा है वहाँ पर, पहले से बीएड चल रहा था, बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और 5 पैरामेडिकल कोर्सेस। हमने शाहीन के साथ टेप करके, क्योंकि आपको पता है कि शाहीन एक ऐसे कॉलेज है जो बिदर का कॉलेज है, जिस कॉलेज ने जिनको तकरीबन 10-12% बच्चों, अगर टोटल नीट जितने भी अपियर होते हैं उसमें 10-12% सिर्फ शाहीन से निकलते, तो ऐसे कॉलेज के साथ में नीट JEE का कोचिंग देने के लिए, इंटीग्रेटेड कोचिंग देने के लिए हम PUC साइंस शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। पिछले साल हमारा 8 बच्चे को MBBS मिला है, 23 बच्चे को इंजीनियरिंग, बहुत सारे मतलब बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज में। तो हम बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, क्योंकि 10th के बाद बच्चे 11th-12th जब आते हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तैयार होता है, बल्कि अगर उससे पहले ही अगर हम बच्चों को हाथ में अगर ले के अगर प्रोफेशनल कोर्सेज के तैयार कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा समझ के। हमने इस साल 9th-10th का भी परमिशन ले लिया। इस साल 9th के बच्चे हमारा माशाल्लाह, 9th में बच्चे हमारे हाथ में मिले तो उनको फाउंडेशन कोर्स दे के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, नीट का हो, कोई भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हम लोग फाउंडेशन कोर्स दे सकते हैं। उसके बाद 10th होगा, 10th के बाद 11th-12th। अगर इस तरह बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हम अपना प्राउड से बोल सकते हैं कि ऐसे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पीछे हो ही नहीं सकता है। तो इंशाल्लाह बहुत कुछ उम्मीद है और हमारा इसी के एसोसिएट हो के हम केरला में कासरगोड में एक राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट टेक ओवर किया है, उसमें बी फार्म, एम फार्म और BASLP स्पीच एंड लर्निंग थेरेपी का कोर्सेस शुरू किए हैं। पहले से शुरू है, हम लोग टेक ओवर किए, कम से कम 350-400 बच्चे वहाँ पर भी पढ़ाई हो रहा है। यहाँ से भी बच्चों को भेज सकते हैं बीफार्म एमफार्म को वगैरह करने के लिए। इस तरह एजुकेशन फील्ड के अंदर एक रेवोल्यूशन बहुत लोग कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर सर और बहुत सारे लोग जो है एजुकेशनल रेवोल्यूशन कर रहे हैं, उनको साथ देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हालात मतलब बहुत ही ख़राब है, उसके बावजूद हम लोग जो है मायूस बन के तो बैठ नहीं सकता है। तो एजुकेशन ही वाहिद एक ज़रिया है जहाँ पर हम मेन स्ट्रीम में पहुँच सकता है। और इंशाल्लाह सना शाहीन कॉलेज हुबली में इसी तरफ बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह आप सबका दुआ चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ डॉक्टर आरिफा रिप्रेजेंटिंग सना कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सना शाहीन कॉलेज ऑफ कॉमर्स। This is the first year which we have initiated Sana College, Commerce College here, and management is very kind enough to extend all kind of supports and all. The intention of starting this college, science education was already there. Sana was established in other disciplines also, like B.Ed, nursing and all that. So commerce का जो discipline था उसमें भी हमारे बच्चों को जो scope मिलना चाहिए, जो scope नहीं मिल रहा था outside, okay, एक recognized institution जो है हिजाब के मुताबिक, ओके, और जो इस्लामिक कल्चर के मुताबिक उनको एजुकेशन, दीनी एजुकेशन के साथ साथ दुनियावी एजुकेशन भी अच्छे तौर पर दी जाए, विद दैट इंटेंशन द मैनेजमेंट स्टार्टेड द कॉमर्स कॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह दिस ईयर वी हैव गॉट, यू नो, वी थॉट सो मेनी एडमिशन्स विल नॉट हैपन बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट ईयर, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट वेरी गुड क्राउड एंड वेरी गुड स्टूडेंट्स हैव बीन टेकन एडमिशन हियर। पेरेंट्स हैव ट्रस्टेड अस, दे हैव एडमिटेड हियर एंड मैनेजमेंट हैज़ गिवन फ्री हैंड टू मी एंड माई स्टाफ टू रन द क्लासेस एंड ऑल द क्लासेस आर रनिंग वेरी, यू नो, रेगुलरली।
including the sports activities and other activities are also. And looking at the enthusiasm level and looking at the word of mouth which is spreading, we are hoping that if this institution will grow in multiple times and all. And our objective, that we want to serve, you know, not just our community, we just want to include everyone. Okay, not only just Muslims, but also we want to include the other community people also. We are giving one holistic atmosphere here. So let everyone come to know and take more and more admission. And I'm sure the way we are going ahead, we will have definitely more admissions next time. Thank you. Assalamu alaikum. Good afternoon. I'm Hada Siraj, Sana Shaheen, first PUC, Commerce. It's the first time they're organizing Commerce. It feels so professional, so organized that you don't believe that it's the first year they're running it. Alhamdulillah, mashallah, they're like the girls who couldn't wear hijab and come are feeling very comfortable because they can wear hijab over here. And the classes are amazing. All the teachers have taken part in activities. Last Saturday only we had so fun playing activities, like a theory subject like business studies, economics. We are understanding so much more better, and there are so many fun things we can do. We have games, we were just playing games, and it's very well. And there were so many new admissions. You would think that they wouldn't be able to fit in, but the way the teachers have started extra classes, the way the whole management is so friendly, they help out. They're like, if you want any help, you can ask them. There's no hesitation. It's very good. I just hope that it gets more recognition. Thank you, Jazakallah. My name is Mehr Shadab Gadak. I'm studying in first PU Commerce College. I'm very proud to be a part of this college. Literally, here Islamic culture is there. That's very big advantages for us. And teachers are very friendly. They are taking weekly, monthly tests. So I'm very proud to join. And they give us chance to read namaz. That's very nice. And teachers are very friendly, very close. They explain everything. They take us extra classes when we don't understand anything, provide extra study materials. Thank you. Good afternoon. Myself, Shahid Malik Kongani. I am studying in PU2. I wanted to say about my college. This college is a wonderful college, and I am taking a preparation for NEET. Here there is no only, here they will give a preparation for JEE also, UPSC also. Approx from here, per year 500 doctors are producing from Sana Shaheen College. Here there is a wonderful facility that they provide NEET coaching plus theory coaching. And every Monday they will give a NEET preparation, NEET mock exams. And on Thursday they will provide a theory exams. So it is a very, such a wonderful advantage for us that we are getting a practice for NEET, how to prepare and how to write exams and what are our mistakes. So I appreciate this college. Thank you. Assalamu alaikum. I am Muhammad Rayan Devrai, and I'm the Prime Minister of Sana Public School. After joining Sana Public School, my studies were pretty better than before. The studies are very systematic and good. The teachers are easy to approach and ask questions. There's a lot of extracurricular activities, like we have sports tomorrow, and right now we were practicing, and the studies are awesome. Everybody is studying great. That's all, thank you. Assalamu alaikum. I'm Asha Ai Khan from class 9th. First of all, I would like to thanks for giving me such a great opportunity to study in Sana Public School. This is a well organized institution. The teachers are very friendly in this campus. They take us both practically and theory. In practical, we did some labs, and in theory, they teach very friendly. So I love this campus and I appreciate. Lai Barkato. I am Madhya from Sana Shaheen College. But according to my experience, I feel this college is better for your doctor, for becoming doctor, engineer, or might be anything what you want. You can study science here. And I feel the best thing is the NEET classes which have been given to us. Every week we have test. Based on this test, we are divided also in A, B and C sections. But I think when we divide into sections, we get a more competition. And I believe I'm very well satisfied with this college. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself, Zikra Janmekar. I'm from Sana Shaheen College. According to my experience, this is the best college I have ever witnessed in my life. Because here they are very friendly teachers, very friendly lecturers. We can ask them doubts very friendly. And we have special coachings for NEET, CET, JEE, and here canteen is also available.
We get very hygienic food from the canteens. We have very well experienced teachers. They are very friendly with us. They give us very good knowledge, and we are very friendly to ask doubt with them.